हेलो स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स मैथमेटिक्स मेजर सेमेस्टर वन कोल्हान यूनिवर्सिटी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज कर्व ट्रेसिंग, एज यू कैन सी। ठीक है, देखिए कर्व ट्रेसिंग टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला कारण ये है कि इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो सोच लीजिए, आप एक क्वेश्चन को अगर पूरा सही से टैकल कर देंगे तो 15 मार्क्स आपके हाथ में। दूसरी बात, जो सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स डाले गए हैं आफ्टर सिलेबस रिवीजन, ये जैसे एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, आर्क लेंथ, इन सब को बनाने के लिए भी आपको कर्व ट्रेसिंग का आइडिया होना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि कर्व ट्रेसिंग एग्जैक्टली है क्या। इसमें होता क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया रहता है, आइदर इन द फॉर्म एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिए रहने की संभावना बहुत कम है, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो ऐसे ही दिया हुआ होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के आधार पर आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ता है, मतलब पूरा कर्व किस शेप का होगा यह दिखाना पड़ता है। अब जब आप एग्जाम में इसको ट्रेस करते हैं, आपको ग्राफ पेपर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप एक एग्जांपल सोचिए, कभी आप प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आप इस तरह का इक्वेशन का ग्राफ करते थे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था। इसमें आप लोग क्या करते थे कि x और y का कुछ पॉइंट्स पकड़ लेते थे। ठीक है, तीन पॉइंट्स पकड़ना होता है, आप शायद दो पकड़ते होंगे, व्हाटएवर। तो इसको पकड़ने के बाद उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे या फिर पेन पेपर आप कर लेते थे, फिर एक इस तरह का आपको ग्राफ मिल जाता था। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ये भी एक तरह से कर्व ट्रेसिंग ही है। कभी कभी फिर आप ऐसा भी कुछ ग्राफ खींचे होंगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, जहाँ यहाँ पर तीन पॉइंट से काम नहीं चलता है। यहाँ अगर आप पॉइंट लेके बनाएंगे तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये वाला एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है या वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, उस हिसाब से ये कर्व ऐसा या ऐसा या ऐसा कुछ एक पैराबोलिक टाइप का आता। तो यहाँ आसानी इस बात की थी कि आपको पता होता था कि y इज इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पैराबोलिक ही आने वाला है, इसका रूट्स निकालते काम हो जाता था। ठीक है, 5 पॉइंट से। लेकिन अब आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जिस तरह का कर्व दिया जाएगा ट्रेस करने के लिए, वो डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है वो कुछ इस तरह का हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy हो सकता है। ठीक है, या इससे भी भयानक हो। तो यहाँ समस्या ये है कि आप केवल पॉइंट्स ले ले करके इस कर्व को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ, ये कर्व हो सकता है जोन के अनुसार ये अपना नेचर बदल देता हो। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे इस कर्व को ट्रेस करना है। ठीक है, चलिए, बड़ा टॉपिक है तो इस पर एक से ज़्यादा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको पूरा सीखना चाहते हैं तो आप सारे वीडियोज अच्छी तरह से देखिएगा। इसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें जो टर्म यूज होगा वो है सिमेट्री। ठीक है, कोई कर्व हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कहने का ये मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लिया जाए ये एक, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लिया जाए एक कर्व ऐसा बन रहा है, अभी क्या है, एक्स के ऊपर जैसा है नीचे बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, यही सोचिए अगर ग्राफ ऐसा होता, सपोज इस प्रकार का होता, वाई एक्सिस के दाएं तरफ जैसा, बाएं तरफ बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो इसको कहते सिमेट्रिक अबाउट
वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार का होता, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ जैसा दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, समझ गए। और अगर मान लिया जाए कुछ इस प्रकार का होता, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई या वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके अबाउट अगर सिमेट्रिक होता कर्व तो, ठीक है, हो भी सकता है कि कोई कर्व आपका कुछ इस प्रकार का आ रहा हो, ऐसा आ रहा हो, तो ये सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला काम होगा सिमेट्री चेक करना। इस तरह से हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स पे देखेंगे कि कर्व का नेचर कैसा है। नेचर पता हो जाने से हम लोग एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कर्व कैसे घूम रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उस हिसाब से उस कर्व को बना दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप पहले जानते हैं कि क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में का सिमेट्री चेक करेंगे, ये है मेथड। अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया और इक्वेशन वही का वही रहा तो ये सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ये पैराबोला होता है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, किस प्रकार का है, ऐसा, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दिख रहा है। अब देखिए इसमें अगर आप y के जगह पर माइनस वाई रख देते तो भी तो इक्वेशन वही होता ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। तो इसका मतलब देखिए, रिप्लेस y बाई माइनस वाई द इक्वेशन रिमेन सेम, इसका मतलब ये x के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप y के अबाउट सिमेट्रिक देखना चाहते हैं तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, अगर इक्वेशन बिल्कुल वैसा रहा तो इसका मतलब आपका कर्व y के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, समझ गए। अब इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स देखेंगे, इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स देख लीजिए क्या करना है आपको, रिप्लेस x एंड y बाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए x इंटू वाई इज इक्वल टू वन है, ऐसा कुछ है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार का आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा। तो ये देखिए ये इधर जैसा है इधर बिल्कुल वैसा ही, तो ये दोनों ऑपोजिट क्वाड्रेंट हुआ ना, फर्स्ट और थर्ड। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो कर्व है एक्स वाई, अगर आप इसमें एक्स के जगह माइनस एक्स और वाई के जगह माइनस वाई रखते हैं, से माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू वन, देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू वन वही आया ना, तो इसका मतलब ये कर्व जो है आपका ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक, समझ गए। इसी प्रकार अबाउट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि आप इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई। अब देखिए ये जो कर्व है ना, ये आपका ये हो गया लाइन, ये लाइन है आपका वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कर्व कुछ इस प्रकार से आता है, इतना भी घटिया नहीं, मतलब ऐसा, मतलब ये वाले लाइन के अबाउट, ये देखिए इसके ऊपर जैसा नीचे वैसा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इंटरचेंज x एंड y। तो मतलब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब
इज इक्वल टू 3AXY है, इसके जगह Y रखिए, इसके जगह X रखिए, इस X के जगह पर Y रखिए, इस Y के जगह पर X रखिए। जरा देखिए तो ये Y क्यूब प्लस X क्यूब इज इक्वल टू 3AXY, ये तो वही इक्वेशन था ना, सेम रह गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट Y इज इक्वल टू X हुआ। उसी तरह अगर आप कर्व में X के जगह माइनस Y और Y के जगह माइनस X रखते हैं और कर्व का इक्वेशन वैसा का वैसा रहता है, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन Y इज इक्वल टू माइनस X। कहने का मतलब ये आपका इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्री का जांच कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये पहला स्टेप है, पहले आपको सिमेट्री टेस्ट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेस्ट समझते हैं। इन सब पॉइंट्स को अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, स्टेप वाइज एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट टेस्ट हम लोग करेंगे कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए जो कर्व का गिवन इक्वेशन होगा उसमें हम लोग एक्स वाई के जगह जीरो जीरो पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल हिसाब, ठीक। मतलब LHS आपका जो कर्व में जब आप जीरो जीरो पुट कीजिएगा, RHS जीरो होगा, तो वो दोनों जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगला देखना है कि ओरिजिन पर टेंजेंट क्या क्या है। हाँ, ये तभी चेक करोगे जब ओरिजिन से होकर पास कर रहा हो। अगर ये कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं करता है तो फिर टेंजेंट निकालने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये इससे लिंक्ड कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेट टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म्स, ठीक है। तो ये हम लोग कर्व ट्रेसिंग करते समय सीखेंगे कैसे करना है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ सिंगल टेंजेंट ना आए, डबल टेंजेंट आए, ठीक है, तो वो सब हम लोग सीख लेंगे तब। अगला ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप। अब आपको ये पता करना है इस पॉइंट में कि कर्व आपका एक्स और वाई एक्सिस को जो काटता है, अगर काटता है तो कहाँ काटता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, y इज इक्वल टू जीरो रखिए, तो जो पॉइंट्स आपको मिलेगा वहाँ पर कर्व x एक्सिस को काटता है। फिर आप x इज इक्वल टू जीरो रख के देखिए, उससे जो पॉइंट मिलेगा कर्व वहाँ y एक्सिस को काटता है। जैसे एक एग्जांपल दीजिए, मान लिया जाए, आपको ऐसे दिया जाए x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो रखिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 आएगा, अर्थात x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4,0 एंड माइनस 4,0 ये दोनों पॉइंट है जहां पर कर्व x एक्सिस को काटा है, ठीक है। उसी तरह इसी इक्वेशन में देखिए, इसी इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो मतलब 0,3 एंड 0,-3 आर द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स y एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग को ये पॉइंट्स मिल गया कि y एक्सिस को कहाँ काट रहा है। देखो ये जो पॉइंट मिल जाना ये बहुत अच्छी बात है, ये मिल गया मतलब तुम्हारा कर्व तैयार करने में बहुत बड़ा हेल्प हो गया, ठीक है। तो सिमेट्री और इस तरह का पॉइंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन से पास करता है कर्व, बहुत अच्छी बात है, तभी टेंजेंट्स पे जाएंगे, समझ गए, ये स्टेप समझे। चलिए आगे स्टेप्स में पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चेक करेंगे एजम्प्टोट्स। कर्व का एजम्प्टोट्स चेक करने का कुछ रूल होता है, आप इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे जब मैं कर्व प्रेसिंग सिखाऊंगा अगले वीडियो में, करके दिखाऊंगा, तो उस समय एजम्प्टोट्स निकालने का तरीका भी बता दूंगा। तो ये थोड़ा लंबा तरीका है, अभी इस पर मत जाइए, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और एजम्प्टोट्स पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब है रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई। देखिए ऐसा भी कुछ रीजन होता है जहाँ पर कर्व नहीं हो सकता। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व खींचो,
तो आपको पता है कि ये ऐसे ऐसे जाएगा। अब कुछ भी हो जाए, ये वन और माइनस वन वाई एक्सिस पर वन के ऊपर तो नहीं उठेगा साइन एक्स, माइनस वन के नीचे नहीं जाएगा साइन एक्स, तो इसका मतलब ये इसका लिमिट हो गया, इसी के बीच में ही ये कर्व रहने वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला रीजन हो गया जिसमें कि ये कर्व लाई नहीं करता है। तो देखिए, इसको निकालने का कोई सिंगल मेथड नहीं है, इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगा करके चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अगर कोई कर्व ऐसे दिया हुआ हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, ऐसा दिया हुआ, तो यहां आपको समझना है कि देखिए वाई स्क्वायर जो है ये तो रियल नंबर का स्क्वायर है और इसलिए हमेशा जीरो से बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे समझेंगे कि चूंकि वाई स्क्वायर जीरो से बड़ा या उसके इक्वल है, तो ये भी जीरो से बड़ा या इसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके गुड। अब यहाँ एक्स स्क्वायर ये रियल नंबर है और वो पॉजिटिव ही है, तो आप इसको बड़े आराम से इनइक्वालिटी के उस साइड ले जा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, मतलब एक्स जितना भी लेंगे वो माइनस ए से बड़ा ही आना चाहिए। तो ग्राफिकली अगर आप ऐसे देखते हैं, तो अगर मान लीजिए ये ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस ए यहाँ कहीं पर होगा, तो आपको इसके इधर ही एक्स लेना है, आप इधर नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है वो रीजन जिसमें ये ग्राफ लाई नहीं करेगा। तो ये सब भी मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये ठीक है। अब देखिए अगला टेस्ट हम लोग करेंगे, टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके उसको जीरो पुट कर दीजिए। एक्स का जितना भी पॉइंट आएगा, मतलब वहां पर आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, डी एक्स बाई डी वाई जीरो पुट कीजिएगा, तो अगर कोई पॉइंट्स आता है तो वहां पर वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट निकलेगा। ये सब तो आप क्लास 12 में ही पढ़ चुके हैं। कर्व में कहाँ कॉन्केविटी है, कहाँ कॉन्वेक्सिटी है, ये देखना पड़ेगा। उसके लिए आप ये क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी पर। मल्टीपल पॉइंट्स, इसमें नोड और कस्प इनमें से कुछ आ सकता है, ठीक है, तो वो क्या है, नोड है या कस्प है, ये आप चेक करेंगे, मेथड में बता चुका हूँ, वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा, मल्टीपल पॉइंट बनाया हुआ है। और ये है लास्ट स्पेशल पॉइंट, देखिए ये स्पेशल पॉइंट्स जो होता है ना, ये होता है, मैंने कही आपकी अंतरात्मा से ही आवाज़ आएगी कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे चेक करके देख लिया जाए कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किया जाएगा, ये हर जगह नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना कि कर्व थोड़ा अजीब बिहेवियर करता हुआ दिखता है, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदाजे से कुछ पॉइंट्स लेकर देख लेते हैं कि वहाँ पर कर्व क्या रहा है। जैसे x इज इक्वल टू मान लिया जाए कुछ ऐसा ही हुआ, मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई, इसमें आपका मन किया x इज इक्वल टू ए लेके एक बार चेक कर ले y कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू टू ए लेकर के एक बार चेक कर ले y कितना आ रहा है, तो इस तरह का जो पॉइंट्स निकलता है ये स्पेशल पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ट्राई करेंगे ना ही यूज़ करना पड़े तो बेटर है। तो हमारे ये इतना सारा जो स्टेप्स हुआ, ये सब करके जो हम लोग देखेंगे कर्व किस तरह का दिखेगा नहीं दिखेगा, इसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, सिमेट्री ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको चेक करना ही है, ओरिजिन से पास करता है कि नहीं ये चेक करना ही है, पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस जहाँ पर कर्व इसको काटता है वो जगह, ठीक है, और रीजन वेयर इट डज नॉट लाई, ये अगर आप चार निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आराम से कर्व ट्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी ये ज़रूरत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी कर्व को ट्रेस करने में ये सारे के सारे मेथड ये लगाए, स्टेप्स लगाए, कुछ स्टेप्स छोड़े भी जा सकते हैं,
ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल लेकर के ये ऐसा बनाना मैं सिखाऊंगा, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।